ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट में शामिल हुए नेता अब एनसीपी के मुखिया शरद पवार को भी आंखें दिखाने लग गए हैं। अजीत गुट के विधायक और नव नियुक्त मंत्री छगन भुजबल ने येवला दावे पर शरद पवार पर पलटवार किया है। भुजबल ने कहा कि अगर शरद पवार इसी तरह माफी मांगते रहे तो उन्हें कई अन्य जगहों पर जाकर इसी तरह खेद व्यक्त करना पड़ेगा। इससे पहले शरद पवार ने नासिक के येवला में एक रैली में जनता से माफी मांगते हुए कहा था कि भुजबल को निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त करने का उनका निर्णय गलत था, इसके लिए वे जनता से माफी मांगते हैं। भुजबल येवला विधानसभा से ही एनसीपी विधायक है। इस पर असंतुष्ट अजीत गुट में शामिल छगन भुजबल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर निशाना साध रहे हैं। विधायक भुजबल ने मीडिया कर्मियों को रूबरू होते हुए शरद पवार की माफी मांगने को गलत कहा। अजीत गुट के नेता ने कहा कि शरद पवार को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी क्योंकि लोग येवला में खुश है, उन्होंने मुझे 4 बार चुना। अगर वह इस तरह माफी मांगोगे तो उन्हें कई अन्य लोगों के पास जाना होगा और इसी तरह खेद व्यक्त करना होगा। बता दे, इससे पहले शरद पवार ने नासिक के येवला में एक रैली में येवला से छगन भुजबल को पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारने के अपने फैसले के लिए जनता से माफी मांगी थी। शरद पवार ने कहा था कि भुजबल को निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त करने का उनका निर्णय गलत था। मैं यहाँ आप सभी से माफी मांगने आया हूँ। मेरा फैसला गलत था, आपने मुझ पर भरोसा किया और मेरी पार्टी को वोट दिया, लेकिन छगन भुजबल को येवला से विधायक बनाने का मेरा फैसला विफल रहा। दरअसल पूर्व में एनसीपी के प्रमुख सहयोगी रहे भुजबल एनसीपी के उन 8 बागियों में शामिल है जो महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की एनडीए सरकार में शामिल हुए हैं। अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और हसन मुशरिफ सहित 8 साथी विधायकों और शीर्ष नेताओं के साथ राज्य में एनडीए सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार ने जहां शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं उनके साथ ही 8 असंतुष्ट विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। फिलहाल उनके विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।